हाँ किसपे? अच्छा हाँ कभी कभी। नहीं वो उनके उनके बाकी बच्चे हमें पता है क्या कर रहे हैं, तो वो जो भी करवा रहे हैं ना वो किसी काम का नहीं। सब को टर्मिनेशन लेटर मिल गया क्या? टर्मिनेशन लेटर है स्किल, देख लें। हाँ इन्होंने वैसे ही कुछ किया मिस्टर के साथ, बता नहीं रहे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कैसे रहेगा कुछ नहीं किया मैंने, मुझे बता दे आपस में रहे। आपस में रहे। आज जो रिएक्शन हुआ ना, मैं भी उठ के आगे कैसा क्या हुआ है बता दे। एमपीएम मैंने कुछ किया ना, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मिस, थोड़ा दूर हो जाए। कुछ नहीं किया, सही बोला ही है। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक जो हो रहा है सबको पता है, सर्वर रन, ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जो चल रहा है ये आपका रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, सही है? इतना सबको पता है ना अभी? ठीक है, रियाज सीनियर है यार, सही है। अच्छा अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि, या कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अगर रिएक्ट पे कोई एरर आता है तो वो किस तरह पता चलेगा? ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे, सही है। इधर भी पता चलेगा, कंसोल पर, डॉम पे भी बताएगा। क्यों डॉम पे? इस वजह से क्योंकि रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है, वो ठक करके ले आता है, सही है। और कमांड प्रॉम्प्ट पे भी बताएगा एरर, कोई हम एरर लेकर आते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। किस फाइल में? रिएक्ट डॉम यही वो कर रहा है, वर्चुअल डॉम पे नहीं, ये रिएक्ट डॉम को एक्चुअल डॉम से इंटीग्रेट कर रहा है कि भाई जो भी होगा वो आपको इस वाले डॉम पे दिखाना है, ठीक है, सही है। अभी हम और आगे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वो देखना ना। अभी मैंने एक्सपोर्ट हटा दिया और अब खाली लिखा हुआ मेरे पास ऐप, सही है। सेव किया मैंने, सबसे पहला एरर यही आ गया, ठीक है। उसके बाद ये अभी कंपाइल हो रहा है, ठीक है। इधर देखते हैं इधर क्या आता है। डिफॉल्ट हटाया मतलब कोई एरर दिखाने के लिए, उसने आपको बोला पार्सिंग एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एट लाइन नंबर 12, सही है। और अगर हम इस पे जाएं तो वो भी हमें यही बता रहे कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला है। आपको डॉम पे भी एरर शो होगा, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे भी एरर शो होगा। तुम लोग ना होते कितना मजा आता है, दो कप हम चले जाते, ठीक है। कंट्रोल से सही है, एरर चला गया। अच्छा अब जो है एक चीज बताता हूँ पहले, देव। अच्छा इतना काम देखो, और किसी का कोई सवाल है तो पहले वो कर लो। कंपोनेंट क्या होता है ये किस किस को पता चल गया? नहीं आप काइंड ऑफ आंसर सही, आप हर फाइल में रिएक्ट में जो है ना कंपोनेंट बनाते, सही है। आपका कहीं पे भी कुछ भी किसी भी फाइल में एक मेन कंपोनेंट होगा जो कहीं ना कहीं रेंडर हो रहा होगा।
अगर हम app.js की फाइल की बात करें तो यहाँ हमारे पास एक ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है, सही है, जो कि जिसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा और इंपोर्ट किया हुआ index.js की फाइल में, और ये हमारे पास वो कंपोनेंट लिखने का सिंटैक्स है। इसको आप, ये जो कंपोनेंट लिखने का सिंटैक्स है इसको आप कस्टम एलिमेंट भी बोल सकते हो। एलिमेंट क्या होता है, H1 का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, वो H1 का एलिमेंट हो गया। इसको आप अपना कस्टम एलिमेंट भी बोल सकते हो, ऐप का एलिमेंट, विच इज जो कैसे बना है, JSX पे बना हुआ है। सही है, क्लियर है? नहीं क्लियर। एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में, ये बताओ। फिर हेडिंग का एलिमेंट हो गया, बॉडी, टैग्स, टैग्स। नहीं नहीं भाई, जो जिसका एक टैग और उसके अंदर का जो कंटेंट है। नहीं नहीं, कंटेंट की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो div है ना, ये div का एलिमेंट है, और ये जो लाइन नंबर 5 में है ये div का ओपनिंग टैग है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है लाइन नंबर 8 पर। तो ये div का एलिमेंट है। आपको अगर अपने रिएक्ट में, रिएक्ट आपको अलाउ करता है कि आप अपने कस्टम एलिमेंट बना लो। हमने एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया और उस रिएक्ट के कंपोनेंट को हमने root.render में पास किया हुआ है। ये हमारा है तो कंपोनेंट, अ काइंड ऑफ एलिमेंट भी है, कस्टम एलिमेंट, ठीक है, अ काइंड ऑफ कस्टम एलिमेंट भी है, सही है, ओके। अब हम एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेशन वाइज पूछे तो आप एलिमेंट की डेफिनेशन क्या बताएं? एलिमेंट की डेफिनेशन ये के H1 हो गया, P हो गया, नहीं यही है डेफिनेशन। इसका दूसरा नाम एलिमेंट, हाँ इसका दूसरा नाम टैग हो गया। टैग जो होते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, पूरा बना के एक एलिमेंट होता है, पूरा बना के एक एलिमेंट होता है, उसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। सही है, थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। मैं सोर्स में गया और यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया अपना, किसका, कंपोनेंट्स का, COMPONENTS, सही है, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना लिया। अब मैं गया, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक चीज बना देता हूँ, बताता हूँ और दिखाता भी। index.js में document.getElementById root, इसके अंदर क्या रेंडर हो रहे हैं, ऐप, सही है। ऐप के अंदर क्या है, एक div है, उसके अंदर दो चाइल्ड्स पड़े हुए हैं, सही है, ओके। डॉम पे अगर हम आए, एलिमेंट्स पे अगर हम आए, आईडी रूट ये रहा, क्लियर है। उसको मैंने, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, नीचे कर लिया। आईडी रूट तो मैंने खोला, अंदर ये क्या है, हमारा वाला div, और उसके अंदर क्या है, हमारा H1 और H2, क्लियर है, सही है, सही है। अब सपोज करो ये जो div है ये हमने क्यों बनाया था, कोई इसका जवाब देना चाहे? एक चाइल्ड रिटर्न करता है, क्या, रिएक्ट, रिएक्ट का कंपोनेंट सिर्फ एक चाइल्ड रिटर्न करता है। तो अब अगर मैं बोलूं कि यार अगर मैं इधर क्लिक कर रहा हूं तो ये एक बिला वजह की लेयर क्रिएट हो रही है, देखो ना लेयर है ना, तभी तो यहाँ शो हो रही है, सही है, बिला वजह की एक लेयर क्रिएट हो रही है, मुझे इस लेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो ऊपर वाला रूट है ये लेयर के लिए काफी है, मेरे सिर्फ H1 और H2 शो होने चाहिए। तो रिएक्ट जो है अपने लिए एक अपनी कस्टम लेयर लेकर आया, ठीक है, कस्टम लेयर के आप इसको लगाओ एज अ पेरेंट कंपोनेंट, ये आपके इंस्पेक्ट में एज अ लेयर शो नहीं होगी। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैं यहां पर आया, कॉमा करके मैंने बुलाए ब्रैकेट, और यहां से मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रैगमेंट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ एक्स, और यहां से मैंने डिव को कर दिया खत्म, सही है। मैंने टैग लगाए फ्रैगमेंट, क्लोज किया, और इसके अंदर रख लिया अपने H1, H2, ठीक है। अब किया मैंने सेव, वालेकुम सलाम, और मैंने किया रिफ्रेश, आईडी रूट, अंदर डिव हमारा खत्म, अंदर डिव हमारा खत्म,
ये एज अ पेरेंट कंटेनर आप ये आप एज अ पेरेंट कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हो हर कंपोनेंट का। डिव की जगह नहीं, सिर्फ कंपोनेंट का पेरेंट के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है, अदरवाइज आप डिव की जगह इसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि ना आप इसको स्टाइल कर सकते हो, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने आपकी लेयर खत्म कर दी ना। जब लेयर नहीं खत्म कर दी तो जब लेयर खत्म कर दी तो सीएसएस तो पकड़ेगा नहीं। सही है, लेयर खत्म होने से ये फायदा हुआ कि भाई ये एक अपना कस्टम कस्टम लेयर लेकर आया है एज अ पेरेंट कंटेनर, आप उसको यूज कर लो। ठीक है, रिएक्ट का खुद का है। ठीक है, अब इसमें जब मजीद अपडेट आई तो उसने बोला कि भाई आप जो है ना फ्रेगमेंट भी हटा दो, हमें खाली टैग दे दो। सही है, हम ऐसा करते हैं, फ्रेगमेंट को भी हमने हटा दिया और खाली टैग हमने रहने दिया, सेव किया, सक्सेसफुली वर्किंग फाइन। ठीक है, और रूट पे गए तो हमारे पास कोई ऐसी दूसरी लेयर शो नहीं हो रही है, सिर्फ हमारे जो H1 और H2 के एलिमेंट हैं सिर्फ वो शो हो रहे हैं। क्लियर है? सर कर्ली ब्रैकेट्स में फ्रेगमेंट देना डालती है किसमें? मैंने अभी तो बताया, जब रिएक्ट की मजीद अपडेट आई ना उन्होंने बोला एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दो, फ्रेगमेंट भी हटा दो, वो जो है हटा दो उसको। अगर मैं देखूं यहाँ कुछ आ रहा हो, यहाँ पर नहीं अभी कुछ नहीं आ रहा, अदरवाइज ये आपको वार्निंग देता है कंसोल पे, अगर मैं देखूं दोबारा रिलोड करूं नहीं दे रहा अभी, वो आपको जो है ना बार बार बताएगा that thing is defined but never used। कोई चीज अगर रिएक्ट में यूज नहीं हो रही और आपने बुलाई भी है, वो आपको पहले वार्निंग दिखाता था कि भाई ये चीज आपने बुलाई भी है लेकिन कहीं पे यूज नहीं हो। सही है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रेगमेंट लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, कॉमा नहीं कॉमा, फ्रेगमेंट और रूट डॉट रेंडर एक्स फ्रेगमेंट क्लोज दिस, ऐसे करें, सेव किया, सक्सेसफुली वर्किंग फाइन। क्लियर है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है अभी तक? कर तो रहा है, पर देखो मैंने बताना चाहा है कि जहां मर्जी आप इसको एज अ पेरेंट कंटेनर शो कराना चाहो करा दो, मसला नहीं है। सही है, बस ये दिखाने का मकसद कि जहां आप इसको एज अ पेरेंट कंटेनर शो कराना चाहो, नॉट अ लेयर, आप उसको वहां पे फ्रेगमेंट लगा दो। सही है, लेकिन फ्रेगमेंट के टैग से बगैर भी तो अभी चल रहा था, फ्रेगमेंट लिखा नहीं था लेकिन टैग्स थे ना, क्या टैग्स थे, फ्रेगमेंट लिखा हुआ नहीं था। मैं समझा नहीं बात, आपने एम्प्टी फ्रेगमेंट के टैग्स में चलाया, बगैर फ्रेगमेंट टैग्स में चलाया? हाँ, दोनों में चल रहा है। तो अभी तो आपने कहा था कि वो रिटर्न करता तो जरूर होता है टैग वाला। तुम समझे नहीं, जब रिएक्ट की अपडेट आई ना फ्रेगमेंट को लेकर, तो उन्होंने बोला अब फ्रेगमेंट को भी हटा दो, एम्प्टी टैग छोड़ दो, हम चला देंगे। और आपने वो एम्प्टी टैग हटा दिया? मैंने एम्प्टी टैग नहीं हटाया, मैंने एम्प्टी टैग में ही फ्रेगमेंट लिखा हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ। चलेगा क्यों नहीं चलेगा, सेव किया, चल रहा है, एम्प्टी टैग के बगैर तो नहीं चलेगा, बगैर भी चलेगा, क्योंकि आपका कंपोनेंट एक चाइल्ड रिटर्न करता है, रेंडर की बात नहीं हो रही, रेंडर में तो ऑलवेज एक ही रहेगा, ये रेंडर हो रहा है, ये कंपोनेंट नहीं है, आप समझे? ऊपर कंपोनेंट बना हुआ है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आपको डिव की लेयर नहीं चाहिए आप फ्रेगमेंट लगा लो। नहीं समझे, दोबारा जरूरी नहीं है, देखो दोबारा सेव किया मैंने, और यहां से मैं फ्रेगमेंट को भी हटाता हूँ, यहां मैंने लगा लिया डिव और स्लैश डिव, सेव किया, रिफ्रेश, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स में गया, रूट में गया, रूट के अंदर ये मेरा डिव है और उसके अंदर मेरे ये दो H1 H2। मैंने बोला ये जो डिव है ये बिला वजह में क्रिएट हो रहा है, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो रिएक्ट ने बोला हमारे पास एक अपनी कस्टम लेयर है, आप उसको यूज करो,
वो आपकी इंस्पेक्ट एलिमेंट में कस्टम लेयर नहीं बनाएगी, और उसको आप ज्यादातर सिर्फ एज अ पेरेंट कंटेनर ही यूज करोगे, उसके अलावा यूज नहीं करोगे। उसके लिए उन्होंने ले आया फ्रेगमेंट। ये तो मेन रूट है, वो ये वाला रूट है, ऊपर वाला डिव जो है ना, ये आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट सही है। उसके अंदर जो ये वाला डिव है, ये हमारा ये वाला डिव है, ये वाला। लेकिन हमने बोला भाई हमें तो इस डिव की रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इसका यूज नहीं करना, तो रिएक्ट ने बोला भाई आप फ्रेगमेंट यूज करो। तो फ्रेगमेंट की जो अपडेट्स हैं वो बोलती है मेरे अंदर कुछ भी ना लिखो। सेव किया, सक्सेसफुली वर्किंग, फाइन, अब क्लियर है। नहीं, पहली बात तो ये ये नहीं पढ़ाना था मैं, इसका सवाल सही है। कुछ चीजें हैं जो रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की खत्म कर रहा है, तो आप ये इसमें यूज नहीं करोगे। नंबर वन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या कुछ भी वो आप इसमें यूज नहीं करोगे। डॉक्यूमेंट करके कुछ भी जो है इसमें यूज नहीं होगा, सही है, वर्क करेगा, यूज नहीं करेगा। उसके लिए क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे, सही है। वो एक लेयर बना रहा है एज अ पेरेंट कंटेनर जो किसी काम की नहीं होगी, बट एज अ पेरेंट अगर काम करना चाहो, उसके अंदर कुछ चाइल्ड रखना चाहो तो बस इसके लिए ना। जरूरत इस वजह से है कि मैंने बोला भाई ये देखो ये जो दो लेयर बन रही हैं, मेरे पास जो एक बिला वजह की लेयर आ रही है मैं वो खत्म करना चाह रहा हूँ। आप डिव लगा लो भाई, इसका जवाब ये है, आखिरी जवाब ये है, आप डिव लगा लो। जो अभी तक आपने पढ़ाया उसमें आपने बताया कि जो फ्रेगमेंट टैग है इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, जरूरत ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इंस्पेक्ट एलिमेंट जब बंदा करे तो उसको कोई फजूल सा एलिमेंट नजर ना आए। फजूल सा एलिमेंट का मतलब जिसपे कोई क्लास या आईडी नहीं लगी हुई ना, वो किसी काम का नहीं है, सही है। तो जब किसी काम का नहीं है तो आप फ्रेगमेंट यूज करो, ताकि जब देखने वाला देखे तो वो बोले भाई कोई फजूल टैग इसने यूज नहीं किया। फ्रेगमेंट यूज नहीं करोगे तो पेरेंट कंटेनर कौन कौन बनेगा? आपको लेयर भी नहीं बनानी, फ्रेगमेंट भी यूज नहीं करना, फ्रेगमेंट वो तो फिर जो है पेरेंट कंटेनर कौन बना? जरूरी है पेरेंट कंटेनर का बना। पेरेंट कंटेनर के लिए आप फ्रेगमेंट का यूज करो, ये आपके लिए रिकमेंडेशन, सही। इंस्टेड ऑफ डिव, इंस्टेड ऑफ डिव आप फ्रेगमेंट यूज करो। लेकिन आपको लेयर नहीं चाहिए, फ्रेगमेंट यूज करो, बिल्कुल सही जवाब। पेरेंट कंटेनर का होना जरूरी है, मिटा देते हैं इसको, इसको मिटा दिया, सेव किया, चला दिया भाई, आ जाओ। वो बोल रहा है कि दे दी उसने एरर के एक चाइल्ड आपको रिटर्न करेगा जो आपका कंपोनेंट होगा, सही है। आप एक ही चाइल्ड रिटर्न कर सकते हो, सही है। सेव किया, सक्सेसफुली वर्किंग, ठीक है। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स पे गए, सही है। कंपोनेंट्स का फोल्डर खोला, यहां पर मैं एक फाइल बना रहा हूं header.js, header.js, क्लियर है। एक और फाइल बना लेता हूं, उसका नाम मैंने लिखा contact.js, सही है, ओके। अच्छा, ये जो अभी तक आपने सिंटैक्स पढ़ा है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स इन रिएक्ट। ये आपका फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक क्लास से बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला बल्कि पहले इसी से बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जब आपको समझ आ जाएगा उसके बाद बनाएंगे। इसी को कॉपी किया पूरे को और पेस्ट किया यहाँ पर, और इस कंपोनेंट का नाम मैंने रखा यहाँ से
हेडर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, और यहां पर सिर्फ आपको एक हेडिंग रिटर्न हो रही है। सेकंड क्लास ऑफ रिएक्टिव्स, सही है? ओके सही है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारे पास आ गया हेडर, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर किसको बुला लो, हेडर को बुलाना है, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश, उसने बताया करंट रूट डायरेक्टरी जो करंट है उस पे आपके पास रखी हुई हैं दो चीजें, कंपोनेंट्स और इंडेक्स। मैंने बोला कंपोनेंट्स में जाओ स्लैश हेडर, क्लियर है? सही है, ओके। अब इसके अंदर में आया एक किस्म का हेडर जो है मेरा कंपोनेंट है, एक किस्म का नहीं वाकई में कंपोनेंट है, और अब हम इसको एज अ कंपोनेंट यूज करेंगे एज अ हेडर एलिमेंट, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए एक बनाया सेल्फ क्लोजिंग, और हेडर सेव किया सेकंड क्लास ऑफ रिएक्ट किए, ये आपकी रिएक्ट है, ये रिएक्ट है, सही है। आपने एक हेडिंग बना दी, सही है, और उसको यहां बुला के आपने इसको शो करा दिया, ये आपका कंपोनेंट बेस्ड रिएक्ट है, खैरियत है ना? वो मेन रूट फाइल है, उसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, बस उसमें जो भी होगा ना आपने सिर्फ उसको बंद ही रखना है, उसमें एक ही चाइल्ड रहेगा वो app.js। हाँ जो जो आप रखना चाहो, सही बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक कंपोनेंट हो गया, सही है, हेडर का, सही है। इसके अंदर में आया किसके अंदर, कंपोनेंट कॉन्टेक्ट के अंदर, सेव इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और यहां से मैंने मंगवाया कंपोनेंट। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या कर रहा है देख लेते हैं, हेडर का मैंने ये कंपोनेंट बनाया, सबको समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके का मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ कॉन्टेक्ट का यूजिंग क्लास, ठीक है, क्लास, सही है, कॉन्टेक्ट contact कॉन्टेक्ट पेज या कॉन्टेक्ट कॉम्पोनेंट एक्सटेंड कॉम्पोनेंट, सही है, और यहां पे मैंने लिखा रेंडर का मेथड, और इसके अंदर मैंने फ्रैगमेंट यूज करा, और H1 this is a contact page section export default contact comp save kiya, koi issue to nahi hai abhi tak, koi issue nahi hai, नो इशू। किधर आओ, app.js में जाओ, कॉन्टेक्ट कॉम्प बिल्कुल सही आया है, डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश कॉन्टेक्ट, फिर भी मजीद वेरीफाई करना है, क्वेश्चन कंट्रोल दबा के क्लिक किया वो आपको वहां पर ले गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया, सेल्फ क्लोज करा और उसमें रख दिया कॉन्टेक्ट कॉम्प, सेव किया, सही है। शुड हैव अ रिटर्न
your render method should have a return statement that is absolutely correct. Okay, इसको हमने एक सेकंड के लिए किया x return save किया. This is a contact page section. इधर आते हैं किस पे. अब इसमें देखो क्या हो रहा है. क्लास करके कॉन्टेक्ट कॉम आपने कंपोनेंट बनाया जिस तरह आप फंक्शनल में बनाते हो. अब आपने ये पढ़ा था कि जब किसी पेरेंट की कंपोनेंट्स को प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो उसके लिए आप यूज करते हो एक्सटेंड्स. ठीक है, और फिर उस जो भी क्लास का आपका मेथड होता है उसका नाम लिखते हो. यहाँ पर रिएक्ट बोल रहा है कि भाई आपको अगर क्लास कंपोनेंट से फंक्शन बनाने हैं तो आपको हमारा कंपोनेंट एक्सटेंड करना होगा. ये वाला कंपोनेंट जो कहाँ से मिल रहा है, ऊपर ब्रैकेट में रिएक्ट से मिल रहा है. ठीक है, एक्सटेंड्स कंपोनेंट और कंपोनेंट के जब क्लास से बनेंगे तो ये इसके अंदर एक मेथड आपके पास होता है रेंडर जो आपको चाइल्ड रिटर्न करेगा एक जो आपको दिखाना होगा अपने डॉम पर. रेंडर का फंक्शन बनाया उसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया अपना JSX जो भी हमारे पास है. सही है, जैसे ये कंपोनेंट है ना फंक्शनल उस तरह ये कंपोनेंट है क्लास बेस्ड. कंपोनेंट कहाँ से ये कंपोनेंट बुलाया है, ये कंपोनेंट का कीवर्ड है. सही है, रिएक्ट से आया है. ये जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं ये वो वाला कंपोनेंट नहीं है. ये हुआ कि भाई एक्सटेंड का क्लास में जब हमने पढ़ी थी एक्सटेंड का कीवर्ड क्या करता है, जब किसी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना हो तो उस क्लास के नेम के साथ उसको एक्सटेंड किया जाता है. ठीक है, रिएक्ट बोल रहा है कि अगर आपने मेरा कंपोनेंट बनाना है ठीक है क्लास बेस से तो मेरे कंपोनेंट को एक्सटेंड कर लो. वो पेरेंट कंपोनेंट हमने नहीं बनाया, वो पेरेंट कंपोनेंट रिएक्ट का कस्टम कहीं ना कहीं बना हुआ पड़ा होगा जिसने रिएक्ट लिखी. थोड़ा सा है ऐसा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हजम हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ सिंटेक्स बेस तक मुश्किल है, उसके बाद बहुत आसान. सर एक चीज है, जो क्लास हमने क्लास बनाई उस क्लास को कंपोनेंट के अंदर क्यों बनाया भाई, इसमें कंपोनेंट बनेंगे ही ऐसे. जो हमने जो सबसे पहले जो कंपोनेंट बनाया था वो इस वजह से इसमें फंक्शनल भी चलेगा और क्लास भी चलेगा. आपको जो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली यूज करोगे वो फंक्शनल करोगे, लेकिन पढ़ाने वाले के लिए जरूरी है कि वो आपको दोनों बताए कि कभी आपके पास कोई दो अलग अलग मेथड नहीं है, दोनों वे सही हैं. ठीक है, अलग अलग नहीं है, दोनों वे सही हैं. ठीक है, बस ये है कि आप जिस पे जाना चाहो, क्योंकि कभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपके पास जो प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया वो क्लास बेस पे बना हुआ है, आप उसको ये नहीं बोल सकते क्लास बेस पे मैं पढ़ के नहीं आया या मेरे सर ने नहीं पढ़ाया. ठीक है, तो वो ये एक एम्बेरसिंग सी फीलिंग हो सकती है. और अगर आप नई चीज गूगल से पढ़ना भी चाहो वो तभी पढ़ सकते हो जब इनिशियली कुछ ना कुछ पढ़कर आए होगे. और क्लास कंपोनेंट हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ना था, हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे. इसका मतलब हमने app.js में अपना खुद का कंपोनेंट बनाया और फिर उसके अंदर अपना हेडर बना के जो लिखना था लिख दिया है. अपना हेडर बना के नहीं, हेडर का एक कंपोनेंट बनाया उसको यहाँ पे यूज करा है. हेडर का हमने ये कंपोनेंट बनाया पूरा भाई, उसको हमने वहां पे यूज कर लिया. इसी तरह हमने कॉन्टेक्ट का भी एक कंपोनेंट बनाया यूजिंग क्लास बेस. और इसके अंदर हमने जो कंपोनेंट यूज किया वो रिएक्ट का था. नहीं 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 ऐसा नहीं है. ये जो कंपोनेंट यूज हो रहा है ना, रिएक्ट बोल रहा है अगर तुमने कोई कंपोनेंट बनाना है क्लास बेस से तो मेरे क्लास बेस से ये क्लास ये हम फंक्शनल में तो नहीं लिख रहे ना, फंक्शन में तो नहीं लिख रहे ये. तो रिएक्ट बोल रहा है जब कोई कंपोनेंट बनाना है क्लास बेस से तो मेरे पास जो कंपोनेंट बना हुआ रखा हुआ है उसको एक्सटेंड कर लो. हमने बोला सही है आप कंपोनेंट लाके दे दो, उसने बोला कि स्लैश लगाओगे मुझे मेरा कंपोनेंट बुलाओगे वो यहाँ से आ जाएगा लाइन नंबर 1 में. ठीक है, हमने बोला एक्सटेंड कंपोनेंट और चलो जाने, अपना खुद का नहीं बनाया. अब क्लियर है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाए. ये वाला ज्यादा आसान नहीं है, ये यूज नहीं करना हमने. हाँ
इसमें सिर्फ हमने उसको कॉल किया, हाँ पीछे एक्सटेंड किया और अपनी हेडिंग की बात से किसको कॉल करना है। अ काइंड ऑफ जवाब सही है, अ काइंड ऑफ जवाब सही है, लेकिन आप यूज करोगे फंक्शनल। सर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया ने रिएक्ट के जो जो कंपोनेंट्स बनाए हैं आपको सिर्फ वो यूज करने, कुछ करना ही नहीं है। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। नहीं यार ये किसने बोला भाई, ये किसने कहा? आपने हेडर डॉट जेएस में कंपोनेंट बनाया, हेडर डॉट जेएस को मैंने खुद कंपोनेंट बनाया, ये रहा ठीक है, उसको आपने हेडर डॉट जेएस में यूज कर। हाँ अब ये कंपोनेंट अगर मेरे पास आ जाए आपका तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपके पास यूज करना है। एक किस्म का इसका मतलब रिएक्ट में कोई कुछ करना नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट लगा के पेस्ट करना। चलो फिर देखो आगे आगे क्या होता है। सही है सर, ऐसा नहीं की बात कर दी, अच्छी बोल रही, कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल नया लेकर आ रही है। किसमें कंपोनेंट बनाना था लास्ट लास्ट, ये रहा सही ऊपर जो कंपोनेंट लिखा लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 3 में जो तीन से कंपोनेंट आ रहे हैं। हां वो एक ही चीज है, वो बिल्कुल एक ही चीज है, दोबारा बता रहा हूँ सुनो। रिएक्ट ने बोला अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाना है क्लास बेस्ड, तो मेरे पास कंपोनेंट बना हुआ रखा हुआ है, उसको अपने पास एक्सटेंड कर लो। तो उस हमने बोला कहाँ से मिलेगा, उसने बोला कि ब्रैकेट लगाओ कंपोनेंट बुला लो, हमने ब्रैकेट लगाया कंपोनेंट बुलाया, फिर एक्सटेंड कंपोनेंट कर लिया, उसने बना के चला दिया बस। अबे कौन सा कंपोनेंट, हाँ यही तो है, यही कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है। ये हमारा कंपोनेंट, ये क्लास व्लास नहीं है, ये हमारा कंपोनेंट है। अबे नहीं भाई नहीं, देखिए जो समझ में क्या थी कि ये पे कंपोनेंट बना हुआ था और हमने उसके अंदर एक क्लास कॉल करके एक्सटेंड कर दिया। चलो छोड़ो इन बातों को, रिएक्ट में क्लास बेस्ड अगर कंपोनेंट बनाना हो ना उसका सिंटैक्स यही है। दोबारा सुनो, फंक्शनल कंपोनेंट में क्या हो रहा है, आपने एक एरो फंक्शन बनाया सही है, और इनिशियल जो उसका कीवर्ड है उसको कर दिया कैपिटल, और एक चाइल्ड आपने कर दिया रिटर्न, सही है, ये आपका हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं। तो अब जब क्लास से आपने बनाना है तो उसके लिए आपने पहले लिखा क्लास का कीवर्ड, और फिर आपने देखा कि रिएक्ट क्या बोल रहा है, रिएक्ट ने बोला भाई अगर क्लास बेस कोई कंपोनेंट बनाना है, मेरे पास एक कंपोनेंट बना पड़ा है, आप उसे एक्सटेंड कर लो और क्लास से बना लो। हमने बोला ठीक है वो कंपोनेंट दे दो, उसने बोला भाई ब्रैकेट लगा के कंपोनेंट बुलाओ और वो अपने पास चलाओ। हमने अपनी क्लास क्लास लिखी और कंपोनेंट का नेम लिखा कॉन्टेक्ट कॉम्प, और एक्सटेंड क्योंकि रिएक्ट ने बोला है मेरा कंपोनेंट बना के लगा दो और अपना कंपोनेंट रेंडर करा दो, एक्सटेंड कंपोनेंट, और उसके अंदर हमने अपना रेंडर का जो मेथड है ये सिर्फ कहाँ रेंडर होगा, सिर्फ क्लास फीचर में, फंक्शनल में नहीं होगा, क्योंकि हमने फंक्शनल में किया ही नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्लास में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा रेंडर का फंक्शन क्या बोलता है, मैं एक चाइल्ड आपको रिटर्न करूंगा, रिटर्न के लिए हमने रिटर्न का कीवर्ड लगाया, ब्रैकेट लगाया, फ्रेगमेंट लगाया, अपना एच वन लिखा, और कंपोनेंट को हमने कहाँ रेंडर करा दिया, एप डॉट जी एस। आप क्लियर है? हाँ कुछ भी लिख सकते हैं भाई, हम तुम्हारा नाम लिख देंगे। यार तो बोल रहे थे क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम नहीं कंपोनेंट का नाम डी, सही है, यूजेड एआई सही है, ये उजैर कंपोनेंट, सी सेव ये कंपोनेंट का नाम है, बिल्कुल ये कंपोनेंट का नाम है, सेव किया चला दिया, सही है, अब क्लियर है, ठीक है। आगे जाके इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स सामने आएंगे, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स आपके सामने आएंगे, नहीं अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बनाओ या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स, इसके फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में जाओगे ना तुम बोलोगे भाई क्लास कंपोनेंट काम के नहीं है, आसानी से उससे भी नहीं होगा, आसानी से उससे भी नहीं होगा, हाँ सिंटैक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कोडिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है, नहीं कोडिंग उसमें भी उतनी नहीं, थोड़ी कम नहीं है, जो
क्लास की जो है ना, वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर, वो पता नहीं, नहीं वो नहीं, वहां तक जाएंगे नहीं हम। अगर हम अपने नहीं नहीं भाई, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, पूरी फेसबुक इस पे बनी हुई है, बच्चा थोड़ी है, पूरी फेसबुक इस पे बनी हुई है। अच्छा अब अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं, तो आप देखो आईडी रूट के अंदर एच वन एलिमेंट सेकंड क्लास ऑफ रिएक्ट विच इज दिस हेडर, सही है, उसने इसको एज अ एच टू रेंडर किया, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट रेंडर हो रहा है एच वन। दोबारा जाए उसके नीचे, दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट पेज सेक्शन, पूरा क्लास कंपोनेंट जो हमने बनाया उसने सिर्फ क्या देखा, एक एच टू देखा कि भाई यहाँ रेंडर हुआ हुआ है, ओके ठीक है। फिर उसने हमारे नीचे जो हमारे दो थे एच वन एच टू दोनों दिखा दिए, क्लियर है, सही है। अच्छा थोड़ा सा जाते हैं स्टेट एंड प्रॉप्स की तरफ, मार्केट में किस पे ज्यादा काम हो रहा है, फंक्शनल पे ज्यादा हो रहा है, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल पे काम हो रहा है 80%, क्लास पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत, लेकिन पहले ज्यादा क्लास पे, पहले क्लास पे ही काम हो रहा था 2019 तक। अच्छा बिल्कुल फंक्शनल नीचे से ठक करके ऊपर आया है, देखो इजी नहीं है उसके लिए, जब से रिएक्ट आई है तब से लोग काम कर रहे थे, और अब उसके लिए फीचर्स लेकर आए तो उसने बिठा दिया क्लास को, ये बात है। हाँ सही है, वो मसला नहीं है, हाँ मसला नहीं है वो, इसमें जब उसमें काम करते हुए देखोगे फंक्शनल में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है अच्छा अब थोड़ा सा देख लेते हैं वर्चुअल डॉम, सही है। मैंने आपको क्या बोला था, रिएक्ट का एक अपना वर्चुअल डॉम है जिसपे आप अपना रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं आप उसको देख सकते हो, ठीक है। रिएक्ट के वर्चुअल डॉम को एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा क्रोम वेब स्टोर, और यहां पे लिखना है रिएक्ट डेवलपर टूल्स, सही है। इसको मैंने क्लिक करा तो उसने बोला कि आपके पास ये पहले से हुआ हुआ है, सही है। जब ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब आपके पास हुआ हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। जब हुआ हुआ होगा ना तो आपके पास ये जो पूरी नेविगेशन बार आ रही है, सही है, ये पूरी नेविगेशन बार है, सही है, इसमें आपके सॉरी गलत खोल लिया, ये जो पूरी नेविगेशन बार आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें आपके पास दो चीजें आ जाएंगी, दो नहीं तीन चीजें आ जाएंगी, एक कंपोनेंट्स ये रहे, एक प्रोफाइलर और एक रिडक्स। रिडक्स आपके अभी किसी काम की नहीं है, प्रोफाइलर आपके कभी भी यूज नहीं होगा, किसी काम का नहीं है, कॉम्पोनेंट्स आपके काम के। उसने आपके सामने अभी जो तीन चीजें आपको दिख रही है, मैं थोड़ा सा अगर जूम इन करूं, ठीक है, माइनस माइनस ऐप दिख रहा है, अगर मैं उसमें लेकर गया तो उसने हाईलाइटेड कर दिया कि भाई ऐप के कंपोनेंट में ये सब रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं हेडर पे लेके गया, बोला भाई ये वाला सेक्शन जो है हेडर में रखा हुआ है, ठीक है। और जैर पे गया तो उसने बोला कि ये वाली चीजें यहाँ रखी हुई हैं, वो आपको मजीद चीजें बता रहा है। अगर हम हेडर में जाएं कि भाई इसके पास प्रॉप्स क्या है, वो अभी हम देखेंगे। न्यू एंट्री इज इक्वल टू नथिंग, कोई न्यू एंट्री इसके पास नहीं है, वो क्या है देखते हैं। रेंडर्ड बाय ऐप, ऐप जो मेन कंपोनेंट है वो इसे रेंडर कर रहा है, सही है। और क्रिएट रूट के जरिए, रूट डॉम के जरिए, और इसके पास कोई नई चीज अभी नहीं है, सही है। और जहर में गए, सेम चीज है, वो भी बोल रहा है। ऐप में गए तो वो बोल रहा है भाई ये है आपके जो अभी तक के मामला, सही है, ये आपका वर्चुअल डॉम, सही है। यहाँ पे देखते देखते आप सारे काम करोगे और रिएक्ट के आधे से ज्यादा आपके पास जो इश्यूज होंगे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, सही है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टेट एंड प्रॉप्स को, स्टेट को कम पढ़ेंगे, प्रॉप्स को ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट क्या है रिएक्ट में, हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाते हैं किसी काम के लिए, ठीक है, एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, कोई खास वेरिएबल हो गया बूलियन का, ठीक है। तो रिएक्ट बोल रहा है कि कोई भी काम आपको जो खास किसी खास काम के लिए करना है,
वो आप सेट के जरिए करोगे, ठीक है? यानी अब नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं बनेंगे, वो आप स्टेट के जरिए करोगे, ठीक है? और स्टेट की अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, जनरल डेफिनेशन की, इट इज अ रीड एंड राइट मेमोरी। और प्रॉप्स क्या है? इट इज अ रीड ओनली मेमोरी। प्रॉप्स क्या है? आप किसी पेरेंट का डेटा किसी चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना चाहो, इट इज कॉल्ड प्रॉप्स, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। आओ, मैं रिएक्ट में बना रहा हूं एक वेरिएबल और उसमें रखूंगा मैं क्या, एक ऑब्जेक्ट, लेट यूजर इन्फो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? नहीं, जहां ये आपकी मर्जी तो है, लेकिन मुझे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना है ना, तो पेरेंट में करेंगे, सही है? अच्छा, मैंने इसमें लिख लिया इज इक्वल टू अहमद, सही है? और कंपनी इज इक्वल टू प्लस, ठीक है? अब ये जो यूजर इन्फो का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये किस्म का मैंने क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट लिखी है। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा कि व्हाट इज जेएसएक्स, ठीक है? मैंने बोला यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो अहमद के बजाय मैं लिखता हूं माय, सबसे पहले मैंने लिखा माय नेम इज, ओके, ठीक है? अब मैंने स्पेस दिया, अब मुझे HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, नॉर्मल लफ्जों में, जनरल लफ्जों में अगर रिएक्ट की बात करें तो अब मैं JSX लिख रहा हूं, ठीक है? दिस यूजर इन्फो डॉट माय नेम, सेव किया, माय नेम इज अहमद, ये आपके JSX। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट चल रही है, जबरदस्त हो गया, सही है? समझ आया सबको? अगर हम कंपोनेंट्स में जाएं, ऐप के अंदर, हेडर के अंदर, स्टिल डिड नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज हमने कोई खास काम नहीं किया है, सही है? अब हम ये जो डेटा है यूजर इन्फो का, ये हम कहां भेजेंगे, अहमद में, सही है? हेडर में, सही है? यहां मैं लिख लेता हूं My company name is, सही है? सेव करके चलाया, आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, ओके। आपके पास अगर आपको किसी कंपोनेंट में डेटा भेजना है, इट इज कॉल्ड इन रिएक्ट प्रॉप्स, ठीक है? आप वो प्रॉप्स के जरिए भेजोगे। आपको प्रॉप्स के लिए एक नाम रखना पड़ेगा और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी होगी, ठीक है? मैं यहां पर आया प्रॉप्स में, सही है? मैंने नाम रखा डेटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है? और यहां मैंने पास कर दिया यूजर इन्फो। अब क्या किया मैंने, हेडर के अंदर एक प्रॉप नेम भेजा डेटा, उसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, यूजर इन्फो, सेव किया। अभी भी मैं वहां कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आगे जाके आपको दिखा रहा हूं। रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ। अगर हम कंपोनेंट्स में जाएं, हेडर में जाएं, वो आपको बोल रहा है कि आपके प्रॉप्स में डेटा पड़ा हुआ है जिसमें कंपनी ये है, नेम ये है। आपके वर्चुअल डॉम पे वो आपको बता रहे कि आपने एक्सेस नहीं करा, लेकिन मेरे पास प्रॉप्स में डेटा पड़ा हुआ है, आपने लिखा कहीं भी नहीं है, लेकिन वर्चुअल डॉम ये है, ये वर्चुअल डॉम आपका, सही है? अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आप यहां पर आए, यहां पर आप कोई भी नेम लिख सकते हो एज अ प्रॉप्स रिसीव करने के लिए, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको प्रॉप्स ही लिखो, PROPS। मैंने यहां लिखा CL console.log, पहले एक हेडर PROPS, हेडर प्रॉप्स कॉमा प्रॉप्स
सेव किया, हेडर प्रॉप्स रेंडर हुए, किस लाइन नंबर हेडर डॉट जी एस 4, बिल्कुल सही है। इसको खोला मैंने, सारा डेटा मेरे को मिल गया, पेरेंट से मैंने चाइल्ड में भेज दिया, इट इज कॉल्ड प्रॉप्स इन रिएक्ट। ठीक है, आगे यूज करते हैं। मैंने बोला कि प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट सी वी, सेव किया, माय कंपनी नेम स्टैनफोर्ड, पेरेंट से डेटा बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट में, चाइल्ड में एज अ पास किया प्रॉप्स डेटा के तौर पर, और उसका नाम रखा मैंने डेटा, और चाइल्ड हेडर सेक्शन हेडर कंपोनेंट में वो रिसीव हुआ एज अ प्रॉप्स, और हमने दिखा दिया प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट कंपनी। अब ये प्रॉप्स क्या है, ये प्रॉप्स जो यहाँ से रिसीव हो रहे हैं, ये डेटा क्या है, ये जो मैंने यहाँ लिखा था लाइन नंबर 14 में डेटा, ओके, और उसके अंदर प्रॉपर्टी रखी हुई है कंपनी, तो कंपनी आपको यहाँ पर शो हो रही है, और यहाँ पर अगर आप जाओगे कंपोनेंट में तो वो आपको बता रहे भाई ये प्रॉप्स में आपके पास डेटा रखा हुआ है जो आप वर्चुअल डॉम पे सक्सेसफुली देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ बोलो। HTML के अंदर एक फंक्शन बनाते थे, अगर जावास्क्रिप्ट में बताते थे फंक्शन ये है, और फिर HTML उसको कॉल कर देते, यहाँ पे इतना नहीं करेंगे, यहाँ सब कुछ HTML के अंदर करके बुलवा लेंगे वहाँ से। HTML के अंदर नहीं, यहाँ सब कुछ एक ही फाइल में लिखेंगे। हाँ, लेकिन JSX में आपने लिख के ऊपर से आपने लेट यूज किया तो उसको बुलवा लिया। बिल्कुल बुलवा लिया, कहीं और जाने की जरूरत। दूसरा ये कि जो चाइल्ड होगा वो जरूरी नहीं कि उसके लिए अलग विंडो बनाए। क्या मतलब? जैसे app header.js है, एक अलग फाइल बनाइए, वो चाइल्ड है app.js का। हाँ, आप app.js के अंदर ही कुछ आईडी बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है ना कि आप अलग फाइल बनाओ। अगर आप app.js के अंदर ही कुछ चाइल्ड बनाएंगे और उसके अंदर ही कुछ, वो आपका एलिमेंट कहलाएगा। जैसे H1 H2 हमने लिखे हुए हैं ना, देखो क्या शो हो रहा है इसके अंदर, चार एलिमेंट शो हो रहे हैं, सही है, वो जो चार हैं वो इसी के तो हैं, चाइल्ड हैं। तो अगर आप इसका मतलब app.js में रहते भी एक जगह से दूसरा एक जगह रिसीव करें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये प्रॉप्स रिसीव हो करने के अलग अलग विंडोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, रिएक्ट है वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है? वन वे डेटा बाइंडिंग रिएक्ट लेकर आया है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा आएगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं जाएगा, इट इज वन वे डेटा बाइंडिंग। आपके पास कोई ऐसी चीज है जो चाइल्ड टू पेरेंट आपको भेजनी है तो कस्टम फंक्शनैलिटी आपको लिखनी पड़ सकती है, लेकिन कोई ऐसा फीचर बिल्ट इन अवेलेबल नहीं है जो आपको चाइल्ड टू पेरेंट डेटा लाकर दे दे। सर, अभी हम रेंडर करके कॉल करवाए तो आ तो रहा। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कोई वेरिएबल बना दूं, लेट नेम इज इक्वल टू अहमद, उसको app.js में आप नहीं भेज सकते, कैसे भेजोगे? app.js पेरेंट कंपोनेंट है, वो तो यहाँ आएगा नहीं। मेक सेंस? पेरेंट कंपोनेंट कभी भी चाइल्ड कंपोनेंट पे रेंडर नहीं हो सकता, सही है? चाइल्ड कंपोनेंट का कोई स्पेसिफिक डेटा पेरेंट के पास नहीं पहुंच सकता, आपके पास डेटा सिर्फ यूं जाएगा, यूं नहीं आएगा। वो चाइल्ड है ना, डेटा 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 चाइल्ड टू पेरेंट नहीं आएगा, पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा, वो तो आएगा ना रेंडर कराने के लिए अंकल। कैसे आएगा, कैसे मुझे बताओ क्या लिखू मैं? मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन लिख लेता, स्कूल इन्फो इज इक्वल टू स्कूल नेम, सही है। अब मुझे ये बताओ कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्कूल इन्फो, ये मुझे ऐप में भेजना है, ये मैं कैसे भेजूंगा? ये मैं भेज नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। वन वे डेटा बाइंडिंग रिएक्ट है वो, जिसका मकसद है पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं जाएगा। जब वो कॉन्सेप्ट लेकर आ गया तो आप तोड़ ही नहीं सकते। हाँ, आप कस्टम फंक्शनैलिटी जरूर लिख सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामर होने की निशानी है कि आपने रूल तोड़ने के लिए अपनी कुछ अपनी फंक्शनैलिटी ऐसी लिख दी कि
काम हो गया आपका, सही है। ये जो है आपका स्कूल इन्फो किसी तरीके से एप डॉट जेएस के पास नहीं पहुंचा। तो अभी तक भिजवाते थे एप डॉट जेएस को, क्या चीज़ क्या भिजवाया हमने? वो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है। मैंने आपको क्या बोला है? डेटा कंपोनेंट अंदर नहीं होता? डेटा कंपोनेंट के अंदर तो होता है, पर वो डेटा है, वो कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट एक अलग चीज है जो आपको दिखानी है डॉम पर, और डेटा एक अलग चीज है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। आपके पास एपीआई का डेटा होगा, वो डेटा अलग है, कंपोनेंट आपका अलग है। चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जाएगा, सिर्फ डेटा, सिर्फ डेटा कंपोनेंट के अंदर और पूरा कंपोनेंट भिजवाना चाहे तो चला जाएगा। बिल्कुल डेटा भी चला जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम? कोड खोला हुआ है? ये रहा भाई, वो ये रहा। आप उसके अंदर आपने क्या पास करवाया था जो आपने header.js लिखे थे? मैंने props रिसीव करा, और props में रिसीव हुआ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ भाई, जाके देख लेते हैं वर्चुअल डॉम पे। वो बोला है हेडर में आपके पास डेटा रिसीव हो रहा है, उसमें कंपनी पड़ा हुआ है और माई नेम पड़ा हुआ है। ये डेटा है एप्स का, एप डॉट जे एस का, ये डेटा पड़ा हुआ है एप डॉट जे एस में, और हम पास कर रहे हैं किसमें? इससे पहले भी आपने की थी क्या ये चाइल्ड, वो जो कॉन्टेक्ट पेज बनाया हुआ था उसको आपने? जाओ जाके वहां देख लेते, ये जो पेज, ये जो चीज है इसको आपने एप डॉट जे एस में कनेक्ट किया था ताकि एप डॉट जे एस में शो हो सके। हाँ तो ये देखा जाए तो ये मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम ये कह रहे हो कि जब कंपोनेंट रेंडर शो हो रहा है app.js में तो उसका डेटा भी तो शो होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो ना? देखो डेटा उसके अंदर ये जो है ना ये शो होगा, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक डेटा कहीं से मंगवाया या कहीं से खुद लिख लिया? जैसे कि ये नहीं जा सकता वहां पर, ये आपने खुद लिखा या कहीं से मंगवाया है, ये उसका कस्टम डेटा नहीं है। आपने अगर इसके अंदर ये लिख दिया कि H2 React World सेव किया और चलाया, React World आ गया, लेकिन ये आपका एक कंटेंट है, ये डेटा नहीं है। डेटा वो होता है जो आपके पास कहीं से आ रहा हो या आपने कहीं से बनाया हुआ हो, ये वो है डेटा। ये आपका जो अंदर कंपोनेंट में लिखा है ये आपका कंटेंट है, ये आपका डेटा नहीं है। आपसे कहने का मतलब है कि फंक्शन, अगर मैं नया फंक्शन बनाया तो फंक्शन वाशरूम नहीं भाई, ऐसे ये नहीं कह रहा मैं। अच्छा जो कंटेंट और डेटा है दोनों का फर्क बता दे। HTML में जो आपने दिखाया हुआ होगा अपने कंपोनेंट में वो आपका कंटेंट है, सही है। कोई ऊपर वेरिएबल्स जो आपने बनाए हुए होंगे या कहीं से रिसीव हो रहे वो आपका डेटा है। ये let school info is equal to school name, ये आपका डेटा है। अच्छा अगर आप इसी h, ये जो आपने return के नीचे fragmented text लिखे हुए हैं, इसके अंदर अगर आप लिखें school name ऐसा कुछ करके लिखेंगे वहां पे वो school name show तो नहीं करेगा? बिल्कुल show करेगा। अब देखिए सर, ये डेटा बनाया आपने, इस डेटा में स्कूल नेम अगर यहाँ लिखते हैं तो स्कूल नेम शो होगा ना? हाँ होगा, डेटा तो शो हो गया। डेटा शो हो गया वो बात अलग है, अभी मैं बात कर रहा था भेजने की, शो कराने की बात नहीं कर रहा था मैं। वन वे डेटा बाइंडिंग बोल रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजा जा सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजा नहीं जा सकता। शो कराने की बात नहीं करी मैंने, डेटा भेजने की बात करी है। फर्क यह है कि भाई भेजना और ना भेजना, दिखाना और ना दिखाने की अलग बात है। समझे नहीं समझे? दोबारा एक और कंपोनेंट बनाते हैं। शाप तुम्हारा नाम तो नहीं है। about.js कंट्रोल है, कंट्रोल सी। तुम्हारी स्पेलिंग क्या है? shapez My
और इस कंपोनेंट का नाम मैंने रखा ए बी ओ यू टी एस ई सी टी आई ओ है. अबाउट सेक्शन कॉपी पेस्ट, ठीक है. और इसमें मैंने लिखा दिस इज एन अबाउट सेक्शन. क्लियर है, एक कंपोनेंट बना दिया. अब मैं ये शो करा रहा हूँ अबाउट सेक्शन में एप डॉट जेएस में रेंडर करूंगा. कहां पर, किसके नीचे, हेडर के नीचे. सही है. अबाउट ए बी अबाउट सेक्शन, ऊपर एक लाइन हमारे पास एडिशनल आ गई होगी विच इज दिस. और अबाउट सेक्शन मैंने यहाँ पे शो कराया, कंपोनेंट रेंडर करा, सेव किया और इसको चलाया, दिस इज एन अबाउट सेक्शन आ गया. सही है. अब मुझे बताओ ओके, लेट ए एन आई एम ए एल बल्कि चार, सही है, ए बी सी डी ई ओके, सही है. मेरे पास अबाउट सेक्शन रेंडर हो रहा है, दिस इज एन अबाउट सेक्शन. ओके सही है. अब तुम सपोज कर लो कि ये जो चार्ज है ये आपके पास इस कंपोनेंट में किसी एपीआई से आया है, ठीक है. सपोज कर रहे हैं ये डेटा हो गया किसी एपीआई से आया है, ये मुझे ऐप पे भेजना है, ये कैसे भेजूंगा. मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं दिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं भेजने की बात कर रहा हूँ. दिखाना और भेजना अलग है. शो कर देगा, भेजा नहीं है वो. पेरेंट से चाइल्ड भिजवा सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट भिजवा नहीं सकते. अब क्लियर है कॉन्सेप्ट, वहां के भिजवा के दिखाते हैं. सही है. चलो एक्स, इसको हमने चार्ज को यहाँ से मिटा दिया, सेव किया और एप डॉट जी एस में गए. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, यही इसी को कॉपी पेस्ट करा. ओके, अब मैंने बोला अबाउट सेक्शन में भेजो एक एक प्रॉप का नेम लिखा मैंने ए आर आर डेटा. ओके, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइन और उसके अंदर मैंने भेज दिया चार. ओके सही है. अब क्या हुआ, अभी अभी रेंडर नहीं कराया, एरर डेटा एज अ प्रॉप भेजा, उसके अंदर क्या भेजा, चार्ज. चार्ज का जो डेटा मेरे पास रखा हुआ है, सेव किया मैंने, अभी वहां नहीं जा रहा मैं, सिर्फ इधर जा रहा हूँ. मैंने बोला अबाउट सेक्शन पे जाओ, उसने बता दिया आपके पास प्रॉप्स रिसीव हो रहा है एआरआर डेटा, उसके अंदर वो आपके पास डेटा रखा हुआ है. वन वे डेटा बाइंडिंग, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा आ सकता है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा जा नहीं सकता. सही है, कोई पूछे वन वे डेटा बाइंडिंग क्या है तो अब क्लियर, अब जो है ना बिल्कुल सही जवाब देना बनता है. सही है, किसी सबको पता चल गया वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है. आप कभी भी वो चाइल्ड में फेच करोगे ही नहीं, आप वो पेरेंट में ही फेच करोगे, वहां भिजवा दोगे, खत्म हो गई कहानी. सही है. और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डेटा है ये ए बी सी डी ई, वो अबाउट सेक्शन में आकर डॉम पे लिस्ट की तरह रेंडर हो जाए. अब मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है. ओके, मैंने लिया अबाउट सेक्शन. क्या अगर रिएक्ट पहले लिया है तो मैं भी लिया, ठीक है. मैं काम कर रहा हूँ, इसको जो है सबसे नीचे लिख लिया अबाउट सेक्शन को, दिस इज एन अबाउट सेक्शन, और इससे पहले एक एच आर लगा लेता हूँ. एच आर स्लैश एच आर, सेव किया. ओके, लाइन आ गई ताकि पता चले. ओके, अबाउट में गया, पी आर ओ पी एस
console.log props of about comma props सेव किया, कंसोल पे गए, उसने आपको बता दिया प्रॉप्स ऑफ अबाउट एर आर डेटा के अंदर 5 एर आर डेटा पड़े हुए, ठीक है। एक और चीज पढ़ते हैं जो हमारे पास रिएक्ट लेकर आया है, वो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। एरे डिस्ट्रक्चरिंग सही है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं मुझे क्या चाहिए, एक मिनट मैं header.js का जो props है उसको बंद कर देता हूँ, मुझे अब इसकी नीड नहीं है, मैंने जो इससे मेरा काम था वो हो गया, सेव किया और इसको भी मैं सेव किया। props के अंदर arr डेटा आ रहा है, अगर मुझे arr डेटा दिखाना है डायरेक्ट props.arr डेटा, सेव किया, आ गया। arr डेटा लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ा, props डॉट एरर डेटा, सही है, ओके। इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन यूज लेट दिस इज इक्वल टू props, हमारे पास क्या आ रहा है एरर डेटा, कॉपी और console.log डायरेक्ट arr डेटा इंस्टेड ऑफ props.arr डेटा, उसने डायरेक्ट लाके दे दिया। एक ऑब्जेक्ट का साइन बनाया और उसमें क्या रखा आपने, वो जो आपके पास डेटा आ रहा है आपने बोला इसमें से डिस्ट्रक्ट कर लो किसको, arr डेटा की जो प्रॉपर्टी आ रही आपने डायरेक्ट निकाल के उसको लगा दी। अब इंस्टेड ऑफ props.arr डेटा आप arr डेटा डायरेक्ट लिखो, आपका काम हो जाएगा। करिया था ना भाई अभी पहले लिस्ट सरेंडर करेंगे हम लाल, कुछ कहना चाह रहे तो कहो भाई। पेरेंट्स से करोगे यहाँ पे भी ओवरराइड हो गए, नहीं करते आप चाइल्ड में डेटा भेजोगे ही इसलिए कि जब यहाँ पर डेटा जाए तो यहाँ उसको ये दिखा दो, भेजेंगे इस वजह से कि भाई रिएक्ट आपकी चीजों को थोड़ा करने के लिए आई है, चीजें फैला दो लेकिन थोड़ा करो, अपने फाइल की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा करो। आपका ये कोड है तोड़ तोड़ के इसको इतना सा कर दो, चीजें तोड़ दो, रिएक्ट ये बोल रहे हैं। और ये चीज आपकी कंपोनेंट बेस्ड है जो जो आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को फास्ट कर, एक एक पेज पे आपने 10 चीजें लिखी हुई हैं, 10 पेज बना दो उसमें छोटा छोटा सब कुछ लिख लो, सब एक साथ बात करेंगे। अच्छा समझ गया, इसीलिए लोड नहीं करता, बार बार लोड नहीं करता, ठीक है। अब इसको लिस्ट को रेंडर कराएं डॉम पर, सर अभी आपने पेरेंट से इस एरे को चाइल्ड में किया था, आप पहले console.log करके दिखाया हमको ये रहा, और फिर उसको आपने लेट करके दिखाया, लेट करके नहीं दिखाया, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का एक मेथड है जो रिएक्ट लेकर आया है कि भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाओ उसमें असाइन करो किसको, जहां से डेटा आ रहा है कहां से आ रहा है प्रॉप से जी। और उसमें से जो प्रॉपर्टी आपको निकालनी है वो निकाल लो, हमने बोला एर आर डेटा को निकाल लो, एर आर डेटा ही आ रहा है ना अंदर से, अगर हम इसमें जाएं एर आर डेटा ही जा रहा है हमारे पास से, और यहां से हमने इसको जो है निकाल लिया, सही है। अब जैसे अगर एप डॉट जेएस को देखें, अगर हमने जेएसएक्स लिखनी हो तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, सही है। अब लिस्ट हमें रेंडर करनी है और डेटा जो है हमारे पास पेरेंट से जा रहा है, ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसको बोल देते हैं दिस इज द लिस्ट ऑफ डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट, सेव किया, सही है, क्लियर है, सही है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी,
ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ जी एस एक्स, डेटा को रेंडर करना है, ब्रैकेट्स लगा लिए, ठीक है, एयर आर डेटा डॉट मैप, मैप रेंडर करेगा हमारे एचटीएमएल सब सारे डेटा को रेंडर करेगा। इसमें क्या मैंने बोला था, एक कॉल बैक लेता है, कॉल बैक, और उसके अंदर हमें रिसीव होते हैं आइटम और उसका इंडेक्स, आइटम और इंडेक्स। मैंने बोला रिटर्न करो एक चाइल्ड, क्या रिटर्न करो भाई, हमने बोला कि आप रिटर्न कर दो एच फोर, सही है, और इसमें हमने लिख दिया आइटम, सेव किया, ए बी सी डी ई, और एक एरर भी हमारे पास आया जो जावास्क्रिप्ट में नहीं आया था, ई चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। वो बोल रहा है कि आपके जो एलिमेंट रेंडर हो रहे हैं ए बी सी डी ई, उसका हर एलिमेंट का एक की होना चाहिए, ठीक है, उस की के लिए आपको जावास्क्रिप्ट में मैप में जो दूसरा मेथड है इंडेक्स, वो आपका मसला हल कर देता है। यहां पर आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा की, उसमें आपने पास कर देना है इंडेक्स, सेव किया, वो एरर इज नाउ गॉन, रिफ्रेश करें तो आपके पास अब वो एरर नहीं आ रहा और लिस्ट आपकी रेंडर भी हो रही। अभी जो एरर आया था उसकी बात कर रहे हो? नहीं, वो ये बोला था हर एलिमेंट जो रेंडर हो रहा है ना उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, सही है, और इंडेक्स क्या करता है, जितने एलिमेंट आपके रेंडर हो रहे हैं वन से लेकर और आखिरी इंडेक्स तक उसको 1 2 3 4 दे देता है। तो एरे में हम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो उस एलिमेंट को बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सर ये क्या है ना, एरे को हमने तोड़ दिया, तोड़ा है तभी तो वो रेंडर हुआ है, ये देखो ना ए बी सी डी ई प्लस प्लस इधर नहीं, हाँ इंडेक्स नंबर एक किस्म की आईडी है, इंडेक्स एक किस्म की आईडी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं यहाँ पर console.log इंडेक्स और कॉमा आइटम, सही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इन दोनों को कंसोल को बंद कर देता हूँ ताकि बार बार चीजें ना दिखे, सेव किया, उसने बोला 0 पे ए है, 1 पे बी है और इसी तरह 4 पे ई है। इंडेक्स आपके हर आइटम को इंडिविजुअल आईडी दे रहा है जिसकी वजह से आपका वो एरर गॉन हो चुका है, सही है। सर पहले आपने ऐप से बुलाया यहाँ पे, हाँ चाइल्ड के अंदर, फिर हम शो करने के लिए इसको रेंडर करवाते थे ऐप के ऊपर और फिर शो करते थे, जो पहले आपने जो शो करने का तरीका बताया, क्या मतलब जो भी डेटा चाइल्ड के अंदर मौजूद था हाँ। हम रेंडर करवा देते थे ऐप डॉट जेएस के अंदर और फिर ऐप डॉट जेएस को बोलते थे तुम शो करो तो हमें डॉक पे शो करते थे, शो कर तो रहा है। अभी आपने इसको ऐप डॉट जेएस पे रेंडर नहीं करवाया, यहीं पे शो करवा दिया, तो शो तो वो शो तो वहीं पर होगा ना जहाँ पे आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ app.js में, मैं पूरे अबाउट को कमेंट मार देता हूँ, सेव किया, उसका काम चला गया, अब वो कंपोनेंट तो रेंडर हो नहीं रहा, बात खत्म उसकी सारी, रेंडर तो यहाँ पर हो रहा है ना, फंक्शनैलिटी हमने बोला कि डेटा हमने भेज दिया वहां उसको रेंडर करा दो, हमने इसको खोल दिया दोबारा, डेटा भी भेज दिया, सेव करा दिया, उसने दिखा दिया। हाँ वो भी बनेगी आहिस्ता आहिस्ता, पहले इतना हजम तो करो पहले। सवाल तो सही है, रिएक्ट ने बोला
अच्छा भाई आप इतना लंबा काम लिख रहे हो, उसको तोड़ दो ना, बाईस बजे से रिएक्ट यूज कर रहे हैं वो सारा काम, ये जो हमने इधर उधर करा है ऐप डॉट जेएस में सारा कर सकते थे, लेकिन तोड़ना किससे है, इस तरह तोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट कोई और नहीं लेकर आया, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रिएक्ट ये लेकर नहीं, वो तो मोबाइल ऐप है ना, मोबाइल ऐप पे आप ये थोड़ी देख सकते हो पाथ वगैरह किस तरह चेंज हो रहे हैं, पाथ आपको देखने हैं, रेंडरिंग रोकनी है आपको, सही है। जरूरी नहीं है ऐप से, आपका जो भी पेरेंट होगा ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैं एक और काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आधा घंटा है भाई, नहीं नहीं पहले इतना हजम होगा तो वो जब जब इनको ये हजम हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक काम करा देता हूँ, अरे मैं एक जो काम कराने लगा हूँ ना वो तुम्हें फायदा देगा, सही है, वो आपको फायदा देगा, ठीक है। या ये बात भी सही है कि मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्या करवाऊँ भाई, एक चीज बता दो, सही है। चलो मैं गया और मैंने ऐप डॉट जेएस में कंपोनेंट्स में देखा, मेरे पास तीन, यार ये सिर्फ पता नहीं क्यों शो हो रहा है, एस बना हुआ आ रहा है पता नहीं किस तरीके से, नहीं नहीं मेरे पास इस तरह शो नहीं होती। चलो मैंने अबाउट में रेंडर किया ना, ठीक है, मैं यहाँ पर कंपोनेंट में एक फाइल बनाई, उसका नाम मैंने लिखा अबाउट चाइल्ड, सही है। अब ये जो चीज आप लोग देखोगे ना, इससे आपका चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए बी ओ यू टी डैश सी एच आई एल डी डॉट जे एस, सही है। सबसे पहले एक कंपोनेंट का जो सिंटैक्स है हमारा वो लिख लेते हैं, बल्कि मेरे पास वो है ना आर एफ सी, कॉन्स्ट ए बी ओ यू टी सी एच आई एल डी अबाउट चाइल्ड इज इक्वल टू एरो, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट चाइल्ड, क्लियर है यहाँ तक सबको? बिल्कुल यूज कर सकते, बिल्कुल यूज कर, ठीक है। यहाँ इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं दिखा रहा, सही है, अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रहा, सीएल कंसोल डॉट लॉग इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, सेव किया, चलाते हैं, चल रहा है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। अब मैं देखो ऐप के पास कितने चाइल्ड हैं, तीन चाइल्ड हैं, अबाउट हेडर और चाइल्ड ये हैं कि समझो मैं, ठीक है, सही है। अब ये हम मैंने एक चाइल्ड बनाया है अबाउट चाइल्ड, सही है, ये मैं यूज कर रहा हूँ किस में, अबाउट चाइल्ड में, ये ऐप का चाइल्ड नहीं है, ये अबाउट का चाइल्ड,
चाइल्ड का चाइल्ड है हैं ये अच्छा था अब इसको हम दोनों जगह पे रेंड कर सकते हैं अपने जो नाम ऐसा है लेकिन अभी ऐसा ही है ऐसा ही है ठीक है अबाउट चाइल्ड मैंने यहाँ पे बुला लिया सही है ओके इस कंसोल को हम यहाँ से हटा देते हैं ठीक है ये लाइन क्या कर रही है कोई बताए लिस्ट रेंडर कर रही है जो हमारा डेटा आ रहा है उसका सही है ओके मैंने बोला इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग एलिमेंट इन H4 आप यहां पर एक कंपोनेंट पास कर दो स्लैश कौन सा अबाउट चाइल्ड और उसको अपने लिस्ट उठा के उधर फेंक अबाउट चाइल्ड मतलब ये अपना डेटा जो है लिस्ट को उठा के अबाउट चाइल्ड बिल्कुल बिल्कुल दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली करेक्ट सही है यहां पर मैंने इसको बोला डेटा लिस्ट का एक मैंने प्रॉप्स बनाया उसमें क्या भेज दिया इसको आइटम ठीक है और की बता देते हैं की में रख दिया मैंने इंडेक्स is equal to index save किया list गायब हो गई components में आए about के section के अंदर देख रहे हो भाई ये virtual DOM कितना जबरदस्त काम कर रहा है आपका about section पे मैंने click करा उसने बोला props के अंदर ये हैं और उसके अंदर आपका जो एक child है जिसके पास ये सारा data है ठीक है अगर हम आ जाएं किधर अबाउट चाइल्ड में यहां पर मैंने बोला props और क्या करो let destruct is equal to props क्या destruct करना है हमने destruct करना है data list c v और data list को console कराओ save किया आ गई कंसोल में या मैंने बोला डेटा लिस्ट डॉट मैप नहीं नहीं डेटा लिस्ट डॉट मैप की जरूरत थोड़ी है तो पहले कर चुके ना बिल्कुल कर चुके हैं बिल्कुल सही भाई आप तो H3 यहाँ पे आप दिखा दो डेटा लिस्ट सेव किया ABCD आगे भेजना हो एक और चाइल्ड बना दो अबाउट ने अबाउट चाइल्ड तो डेटा दिया अब एक डेटा दे चुके अबाउट एक और डेटा भेजे अबाउट चाइल्ड ये हम पढ़ेंगे इतना तो हजम हो जाए ना पहले बच्चे ये जो आपने अभी मैप और आइटम ऑफ की डाला तो आपने अबाउट में डाला इसे आधा का वहां पे कर दिया और आपने सिर्फ लिस्ट को कॉल करवा लिया अबाउट चाइल्ड के अंदर अगर आप चाहते हैं तो सीधे सीधा ऐप के अंदर ऐप से अबे यार ये तेरे में चला गया ऐप से डायरेक्ट जो चीज थी तो अबाउट में भेजने के बजाय अबाउट चाइल्ड को भेजते डायरेक्ट वहां कर सकता था ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कर सकता था भाई कर सकता था तोड़ तोड़ के किया तो है मैंने ये तोड़ तोड़ के किया सारा काम उस फाइल में हो जाता मैंने क्यों वहां से सिर्फ भेज देते अबाउट चाइल्ड में और वहां पे मैप की लगा के और सब जब मैंने किया था तब तो मैं वहां से मसला हो रहा था अब जब मैंने उससे आगे भेजा तब भी तुम्हें मसला हो रहा है दोनों जगह हो सकता है बस बताने का मकसद ये कि अबाउट चाइल्ड जो है ना सिर्फ अबाउट का चाइल्ड है ठीक है ऐप का वो सब चाइल्ड है ग्रैंड चाइल्ड बोल सकते जिस तरह अबाउट से आपने अबाउट चाइल्ड में भेजे इस तरह ऐप से भी अबाउट चाइल्ड में भेज सकते हैं बिल्कुल भेज सकते हैं बिल्कुल पॉसिबल है सही है इतना काफी है आज के लिए अबे भाई ये याद हो गया पहले प्रैक्टिस तो कर लो इसकी पहले
हाँ वो थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स है, सिंटैक्स आपको जो है खा जाएगा, यूज स्टेट का और वो यूज नहीं होती यूज नहीं बोल रही। हाँ यूज वही यूज होगी। आपका क्या सवाल है? अभी मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। सवाल इतनी सब चीजें मेरी सेम इसलिए जाते हैं उसकी वो एक साथ सब एंटर हो जाए बस और कोई वजह नहीं थी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाए। बस इस और कोई वजह हाँ नहीं थी। एक फाइल जो आपका लोड इतना होने में इतना टाइम ले रही है बिकॉज ऑफ लाइंस ऑफ कोड, आप उसको खत्म करो, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। शादी के लिए छोटे छोटी थैलियां बांधते हैं ना, छुआरे वाली, एक ही बोरे में डालने से बेहतर है वो छोटी छोटी बना दो। लेकिन ये काम जावास्क्रिप्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल। अगर जावास्क्रिप्ट की नजर से देखा जाए तो बिल्कुल हमने 10 जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई और सबको सबको इंडेक्स में हमने कॉल कर दिया हाँ ऐसे ही क्या इसका। ऐसे ही, लेकिन उसके अंदर आप HTML नहीं लिख सकते, इसके अंदर आप लिख रहे हो। ये काम सही है, तो एक नजर अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले वर्चुअल डॉम पे आते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करा। एक हमारे पास जो सबसे पेरेंट है वो हमारे पास ऐप है जिसमें वो बता रहा है कि भाई आपके पास मेरे पास तीन चाइल्ड हैं, ठीक है, एक हेडर है, अगर उस पर मैंने क्लिक किया तो वो हाईलाइट हो रहा है, सही है, और एक मेरे पास उजैर कंपोनेंट है, जब मैं उस पर लेकर जा रहा हूँ तो वो हाईलाइट हो रहा है, और अबाउट के बाद एरो सेक्शन जो लगा हुआ है दैट मीन्स इट हैज चाइल्ड, क्योंकि ऐप पे भी लगा हुआ है, इसको बंद करें तो उधर एरो का सेक्शन आ रहा है, सही है, इसको मैंने खोला और अबाउट पे गया तो वो बता रहे कि भाई मेरे पास ये सारा डेटा है, और इसके एरो को क्लिक करा तो बोला भाई मेरे अंदर ये डेटा रेंडर हो रहा है जो मेरे सब चाइल्ड से हो रहा आपने कहा था एक कंपोनेंट का एक चाइल्ड हो सकता है ऐसे कहा था ना आपने। तो है। यहाँ मल्टीपल ऐप भी के हो तीन तीन सकती, चाइल्ड मल्टीपल भी हो सकती, मकसद ये है, मतलब अगर कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो बस चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ इसमें पॉसिबल कंपोनेंट रिटर्न तीन चाइल्ड कर है। एक सकता है चाइल्ड कंपोनेंट करता है, एक एक डेटा नहीं करता, एक चाइल्ड करता है। का एक चाइल्ड नहीं होगा वो रिटर्न एक चाइल्ड कर सकता है। बस समझ में नहीं आ रहा, पीछे जाके बैठ गया। अरे अबाउट पेजेस टू बनाया हमने सब पेजेस टू बनाया और उसमें जो अलग अलग इंडेक्सिंग टू करी हुआ हमने दिखाने सारे के का लिए कि आपके पास मल्टी चाइल्ड पॉसिबल हैं, मल्टी चाइल्ड पॉसिबल हैं। अगर मैं अपनी एक फाइल दिखाऊं, और इसमें जो 0 1 2 3 4 आ रहे हैं वो क्या उसका एरे का डेटा ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखो ना आपने क्या देखा यार, मैंने अबाउट में जो अबाउट चाइल्ड रिटर्न करा है एरे डॉट मैप में, उसमें अबाउट चाइल्ड मैंने रिटर्न करा, एक डेटा एक प्रॉप नेम लिखा मैंने डेटा लिस्ट, उसमें आइटम गया, आइटम में क्या है ए बी सी डी ई, और हर इंडिविजुअल आइटम को एक की भी चाहिए, की के लिए इंडेक्स पास कर दिया, तो यहाँ पर इसको खाली रिसीव होगा प्रॉप्स में, डेटा लिस्ट हमारे काम का है, डेटा लिस्ट H3 में लिखी, मैप तो वो पहले ही हुआ हुआ है, लिखा तो उसने वो रेंडर कर दिया, क्लियर है, मल्टीपल चाइल्ड जो है वो पॉसिबल पॉसिबल है है, ठीक है। अभी खत्म, लास्ट का टॉपिक भी खत्म हो गया, बस एक जो है मैं एक चीज दिखा देता हूँ छोटी सी, और
कोई फाइल दिखाना चाह रहा हूँ अपनी। ये मैंने अपनी एक फाइल खोली है, सही है। इसमें प्लस 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 आप तो सिर्फ ये देखते हैं। ये जो हाईलाइटेड किया हुआ ना, ये मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट बना बना के एक फाइल में, क्योंकि मुझे मल्टीपल फाइल्स में शो करती है ये फाइल है, इस फाइल में यूज करने किसी और फाइल में। लेकिन इधर मैंने बकायदा हैपी हेडिंग दी है, इंक्लूडिंग मल्टी यूजर कॉम्पोनेंट, वो एक अलग चीज है। ये है वो कॉम्पोनेंट है जो एज अ चाइल्ड रिटर्न हो रहे हैं, मल्टी स्क्रीन पर ही आपके शो होंगे। सही है, इनफ है आज के लिए, इनफ है आज के लिए। सही है, ये क्यों यूज नहीं करूं? सही है।